राम राज्य जन कल्याण सेवा मंच ने की बिथरी विधायक के खिलाफ लगे झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग। बरेली रामराज्य जन कल्याण सेवा मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष निकिता अग्रवाल के नेतृत्व में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया और मांग की बिथरी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू बिरतौल और उनके पुत्र विक्की के खिलाफ एसएसपी द्वारा लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक पप्पू बिरतौल सच्चे जनसेवक है, सुबह 5 बजे उठकर जनता की सेवा में लग जाते हैं। एसएसपी मुनिराज द्वारा लगाए मुकदमे राजनीति से प्रेरित है। पप्पू बिरतौल सच्चे समाज सेवी है, उनके पुत्र विक्की पर लगाए गए मुकदमे बेबुनियाद है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी, ज्ञापन देने वालों में विवेक शर्मा, ललित वर्मा, अनिल सिंह, गोविंद मिश्रा, पंकज अग्रवाल, पुष्पा शर्मा, रोहित कुमार, अनिल पाटिल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको चार नहीं मालूम, आपकी जड़ें काटी जा रही हैं। आज आपके बीच में हमारे जो दबे कुचले भाई हैं, उनको भड़काया जा रहा है, उनके खिलाफ अन्याय होने की दुर्भावना फैलाई जा रही है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। ऊंचे समाज ने छोटे समाज को हमेशा आगे किया है, लेकिन छोटे समाज को दूसरे संप्रदाय के लोग भड़का रहे हैं। उनके वकील जो मौलाना या मुसलमान है, उनके वकील उन्हें भड़का रहे हैं, आपके खिलाफ झूठे मुकदमे ऊंची जाति पे लिखवा रहे हैं। एक ज्वलंत उदाहरण है नवाबगंज विद्यालय का, जिसमें एक महिला वार्डन जो कि उच्च जाति की है, उसके ऊपर एक नीची जाति का चौकीदार जो नहीं चाहता कुछ भी कार्रवाई करना, समझौता करना चाह रहा था, एक मुसलमान वकील उसे भड़का के लगातार उसे वो समझौता होना नहीं चाहता, वो चाहता है समाज टूट जाए। पप्पू बिरतौल की गिरफ्तारी बिल्कुल संवैधानिक है। एक तो वो हमारे चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, उसके अलावा उन्होंने न्याय की बात करी है। अगर कांवर यात्रा, जो कि हिंदुओं का विशेष त्यौहार है, भगवान शिव की आराधना सभी करते हैं, यहां तक कि दूसरा संप्रदाय भी दूसरे रूप में कर रहा है, और उस यात्रा को रोका जाता है प्रशासन की दलील अपनी अनुचित दलीलों के द्वारा, तो ऐसे में अगर मुहर्रम का जुलूस उसी रास्ते से निकलेगा तो क्यों संप्रदाय में जो है विघटन होगा, तरह तरह के जो है बातें होंगी और हिंदू समाज और मुस्लिम समाज आपस में लड़ेगा। उन्होंने तो एक अच्छी बात करी, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश करी कि अगर ये यात्रा नहीं निकल रही हिंदुओं की तो मुस्लिमों की क्यों निकले। वो जनप्रतिनिधि है, सच्चे जनप्रतिनिधि। उन्होंने कहा भाई दोनों को भाई या तो निकालो, दोनों की निकालो, अन्यथा किसी की मत निकालो। ऐसे में अगर एसएसपी महोदय किसी बाबरी मानसिकता से काम करेंगे और हमारे हिंदू हृदय समाज पप्पू बिरतौल को दबाने की कोशिश करेंगे तो हिंदू सनातन धर्म मानने वाले हमारे समाज के सभी युवा, सभी बुद्धिजीवी जाग चुके हैं, वो पहचानने लगे हैं इन षड्यंत्रों को, और गंभीर धाराओं में जो मुकदमा लिखा गया, अगर तुरंत वापसी नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और प्रशासन, जिसे सभी हिंदुओं ने, भाइयों ने चुना है, बीजेपी की सरकार है, जिसे हिंदू सरकार कहा जाता है, इस तरह का अन्याय होगा, हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। और शहर के जो भी छुपे हुए नेता इस साजिश में लिप्त हैं, उन्हें बता दिया जाता है इस आंदोलन के द्वारा कि आगे 2019 आने वाला है, सावधान, हमारी भावनाओं को इस तरीके से ना कुचलें, जाति पाति में ना बांटें, हिंदू हिंदू है, हिंदू एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये झूठी FIR हुई है, इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। तब ये FIR कहाँ थी जब मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था? तब कहाँ दबिश थी? किसी नेता के घर पे तब क्यों नहीं दबिश डाली गई जब मुहर्रम का जुलूस निकाला गया? जब हिंदुत्व की बात आती है तभी दबिश दी जाती है, तब कहाँ थे वो नेता, ये सारे लोग की जब हिंदुत्व के घर वो विवाद हो रहा था? कांवर यात्रा नहीं निकालेंगे उसी मार्ग से, जब कांवर यात्रा नहीं निकली तो उसी मार्ग से फिर जुलूस कैसा निकाला जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो एक उस रास्ते से जब हमारी कांवर यात्रा को रोक दिया जाता है और उसी रास्ते से आप अपना जुलूस निकाल लें तो ये कहाँ की न्याय की बात नहीं हुई? प्रशासन ने हिंदुओं के साथ में अन्याय किया है और कायदे में इस तरीके से अन्याय नहीं करना चाहेंगे। और हमारे हिंदू हृदय सम्राट विधायक पप्पू बिरतौल जी ने जब इस चीज को संज्ञान में लिया तो उल्टा उनके ऊपर जो है अनैतिक रूप से कार्रवाई की जाती है, ये उचित नहीं है। और सारा हिंदू समाज बरेली का विधायक पप्पू बिरतौल जी के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। अगर मुकदमे वापस नहीं होते क्या करेंगे? मुकदमे यदि वापस नहीं होते तो आज ये छोटा आंदोलन है, यही आंदोलन कल एक बड़ा आंदोलन बनेगा और बरेली की जनता सड़कों पे दिखाई देगी यदि उनके ऊपर से मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं तो।